आपको मालूम है 93-94 में सिटी बैंक स्कैम हुआ था अमेरिका का, सिटी बैंक स्कैम जो हर्षद मेहता ने ऑपरेट किया था पूरे भारत में, वो सिटी बैंक स्कैम था, हर्षद मेहता स्कैम के नाम से चला पूरे देश में, स्कैम सिटी बैंक ने किया था। हर्षद मेहता तो सिटी बैंक का पपेट था, मोहरा था, सिटी बैंक उसको चलाता था, हर्षद मेहता वही चलता था। सिटी बैंक ने भारत में आके हर्षद मेहता को खड़ा किया और हर्षद मेहता को पैसा देना शुरू किया और उस पैसे से उससे कहा कि शेयर खरीदो हमको दो, तो हर्षद मेहता अपने नाम से शेयर खरीदता था, सिटी बैंक को ट्रांसफर करता था, पैसा सिटी बैंक देता था। तो सिटी बैंक में खेल क्या खेला कि भारत की कुछ कंपनियों को उठाना है, कुछ को गिराना है, जिन कंपनियों के शेयर सिटी बैंक के पास है उनको उठाना है, जिनके नहीं है उनको गिराना है। ये खेल में वो लग गए, हर्षद मेहता उनको कठपुतली की तरह से मिल गया, उसने खेल खेला और उस खेल में हिंदुस्तान का हजारों करोड़ रुपए, कम से कम 76,000 करोड़ रुपए डूब गया इस देश का। और जब ये सारा घोटाला खुला और घोटाले पर इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी भारत सरकार की संसदीय समिति ने की, संसदीय समिति ने कहा कि हर्षद मेहता घोटाले का जिम्मेदार नहीं है, सिटी बैंक जिम्मेदार है, तो भारत के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर और वर्तमान प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि हमें मालूम है सिटी बैंक जिम्मेदार है, लेकिन हम उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका से हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। और मनमोहन सिंह ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर और आज भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी सिटी बैंक के खिलाफ कुछ करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए वहां से, अमेरिका नाराज हो जाएगा। और इसी अमेरिका ने भारत के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ इतनी सख्त कार्यवाही की अमेरिका में कि उनके हालत खराब हो गए, लेने के देने पड़ गए। इसी अमेरिका ने भारत की एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच अमेरिका में इन्वॉल्व हो गई थी कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन में जिनका पता नहीं था और अमेरिका ने डाउट किया था कि ये ट्रांजेक्शन हुए हैं टेररिस्ट को। अमेरिका में एक नियम है, एक अमाउंट से ज्यादा का पैसा निकाला जाए और जमा किया जाए तो उसका सारा इंक्वायरी करना है, नहीं करेंगे तो बैंक जिम्मेदार है उसके लिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन किए थे जिनका कुछ अता पता नहीं था, उसमें अमेरिका ने इतना हैवी पेनल्टी ठोंका उनके ऊपर कि एक ब्रांच का पूरा डिपॉजिट उसमें जाने की स्थिति आ गई। अमेरिका ने नहीं छोड़ा आपको और आपने उनके सिटी बैंक ऑफ को पूरा छोड़ दिया, हाँ हाँ इतना घोटाला किया तो भी हम मंजूर करते हैं। और आपको मालूम है रामनिवास मिर्धा नाम के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी अध्यक्षता में बनी संयुक्त जांच समिति ने यह कह दिया था कि सिटी बैंक को भारत से वाइंड अप करने का आदेश दीजिए, इनका बोरिया बिस्तर बंद करा दीजिए, नहीं तो ये देश को लूटेंगे। वो संसदीय समिति की रिपोर्ट धूल खा रही है और सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया क्योंकि अमेरिका से डर है, अमेरिका नाराज हो जाएगा, हमको इन्वेस्टमेंट नहीं देगा। अभी नेक्स्ट ईयर से सिटी बैंक, HDFC, ANZ ग्रिंडलेज, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये सभी बैंक खुले आम अपनी शाखाएं खोलेंगे। वो शाखाएं खोलेंगे कहां? किसी गांव में नहीं, और वो शाखाएं खोलेंगे ऐसी जिसमें आप 50 रुपए डिपॉजिट करा के अकाउंट नहीं खुला सकते, उनके लिए मिनिमम है 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 40,000। आपकी भारत की जो स्टेट बैंक है या भारत की जो बैंक है वो तो गांव में भी जाके शाखा खोलती है क्योंकि उसको सर्विस देनी है, बिजनेस नहीं करना, सर्विस देनी, इनको बिजनेस करना है। तो वो बड़े बड़े शहरों में शाखाएं खोलेंगे, बंबई है, कलकत्ता है, मद्रास है, हैदराबाद है, कोयम्बतूर है, चेन्नई है, वगैरह वगैरह, और उनमें जो क्रीमी लेयर है भारत का, जिनके पास थोड़ा पैसा, उनके डिपॉजिट रख के उस पर काम करेंगे। और वो डिपॉजिट को कहां इन्वेस्ट करेंगे वो आप भी नहीं रोक सकते और तय भी नहीं कर सकते। तो आपके देश की खून पसीने की कमाई, पूंजी, जो डोमेस्टिक सेविंग्स है, वो विदेशियों के हाथ में आप दे देंगे। इसी तरह से बीमा के क्षेत्र में वो आएंगे, इसी तरह से हर क्षेत्र में वो घुस जाएंगे।